अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आमिर कईम खटक बरकी आर्मरी इंटरनेशनल और पैराडाइज सिटी नौशहरा के तावन से बनने वाली इस इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो के साथ आपके खिदमत में पेश। दोस्तों, मेरे हाथ में आपको एक हथियार नज़र आ रहा होगा, SMG टाइप की, AR-9 टाइप की आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, तो इसी का रिव्यू लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ जी। दोस्तों, ये जो इस वक्त मेरे हाथ में जो चीज़ पकड़ी हुई है, इस चीज़ को बोलते हैं रॉनी किट, एंड इसका जो मॉडल है दैट इज़ G1। ये हर इंटरनेशनल मॉडल की के लिए डिफरेंट आती है, ग्लॉक के लिए डिफरेंट होती हैं, टॉरस के मॉडल्स डिफरेंट हैं, CZ के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन आती सब के लिए है। ये आपके एक नॉर्मल से पिस्टल को उसकी फायर पावर बढ़ाने के लिए, उसकी कंट्रोलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसकी मैगजीन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर सकती है। इसके ऊपर डिफरेंट गैजेट्स आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस किट के अंदर जो है, हमने एक ग्लॉक 19 को फिट किया हुआ है विद एक्सटेंडेड मैगजीन, ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस, और एक मैगजीन हम लोगों ने इसकी स्टॉक में जो है वो हम लोगों ने रखी हुई है। इसमें आपको, इस किट में आपको ऊपर 22mm की रेल मिल जाती है, पिकेटनी रेल मिल जाती है, जिस पे आप कोई स्कोप भी लगा सकते हैं। मैंने इस पे ये साइट्स, आयरन साइट्स लगाई हुई हैं जी। उसके अलावा आपको इसके राइट पे और लेफ्ट दोनों पे आपको रेल्स मिलती हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे लेज़र, यहाँ पे टॉर्च, ये नीचे देखिए इसके, ये ग्रिप है बड़ी यूजेबल किस्म की, और इसकी एडजस्टमेंट भी है। लाइक इसको नॉर्मल कंडीशन में आप किसी बड़े पिस्टल की सूरत में घुमा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे, फायर करने पे आप इसको खींच लीजिए, तो दिस इज़ अ गुड MP5 साइज, MP4 साइज की गन है जी, और मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे डीलर्स के पास जो है ये किट आपको मिल जाएगी। ख़रीदने से पहले अपने पिस्टल का मॉडल आप जान लीजिए कि आपका ब्रांड मॉडल कौन सा है, उसके बाद आपको उसी ब्रांड, उसी मॉडल की जो है वो किट मिल जाएगी। बल्कि आर्मरी इंटरनेशनल पे भी जो है वो रिक्विजिशन बेस्ड हम लोग कर सकते हैं, हमें आप रिक्विजिशन दे दीजिए, आपको जो है हम प्रोक्योर करके प्रोवाइड कर देंगे जी। तो दोस्तों, इसका एक छोटा सा फायर और कंट्रोलेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ थोड़ी देर में हम इसका एक रिव्यू बनाते हैं, उसके साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे जी। बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए। वेरी क्रिस्प और बहुत खूबसूरती के साथ 10 राउंड फायर किए जी इस रॉनी किट से। कोई रिकॉइल नहीं था, बिल्कुल मुझे यूं लगा जैसे मैं कोई 0.22 LR की बनी हुई कोई राइफल यूज़ कर रहा हूँ जी। तो हाईली रिकमेंडेड फॉर गन एंथुजियास्ट, और ख़रीद सकते हैं आप बल्कि आर्मरी इंटरनेशनल पे, रिक्विजिशन बेस्ड जो है वो हम लोग इसका काम कर रहे हैं जी। तो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड जी, थैंक यू वेरी मच। Like anything. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कंक्लूजन ये हुई, आज हम लोगों ने एक 3 गन्स का रिव्यू किया, फायर रिव्यू किया। उसमें टॉरस PT-24/7 प्रो था, उसमें DSA का ट्रू शॉट था, उसमें ग्लॉक 19 रॉनी किट में लगा हुआ था, तीनों ने परफॉर्म किया। अब आपकी अपनी चॉइस है, आपके अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, आपकी अपनी सोच है। किसी बंदे को जो है वो मोबाइल में भी जो है लोग ब्रांड्स के जो है वो लॉयल होते हैं। किसी बंदे ने खामखा आईफोन रखा होता है, किसी बंदे ने खामखा सैमसंग रखा होता है। तो मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी जुदा है जी, मैं खामखा वाला बंदा हूँ नहीं, और मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो ब्रांड बन जाएगी इंशाल्लाह। तो आप अपने आइए, शॉप पे आइए, शोरूम पे आइए, पिस्टल उठाइए, अपने हाथ में पकड़िए, देखिए उसको, कॉक करके देखिए उसको, अपने पास रख के देखिए। जब आपको समझ आए तो फिर आप उस पिस्टल का मॉडल रिव्यूज, सिर्फ रिव्यूज से नहीं होता जी, हमारी कोशिश होती है इंफॉर्मेशन देना,
न्यूट्रल बेसिस पे, तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी जी। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने का, बहुत बहुत शुक्रिया बरकी आर्मरी इंटरनेशनल का, बहुत बहुत शुक्रिया पैराडाइज सिटी नौशहरा का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई ज़िया खटक का। थैंक यू वेरी मच।